समय पहले की बात है, एक प्रतापी राजा था, उसके 3 पुत्र थे। तो उसने सोचा कि तीनों को कुछ इस तरह की शिक्षा दी जाए कि समय आने पर ये राज का काम संभाल सकें। तो उन्होंने तीनों को बुलाया और कहा कि हमारे राज में नाशपाती का वृक्ष नहीं है और हम चाहते हैं कि क्यों ना हम नाशपाती का वृक्ष लगाएं। तो तुम तीनों बारी बारी 4-4 महीने के अंतराल में जाओ और पता लगा के आओ कि वो कैसे होता है। तो तीनों पुत्र ने राजा की बात मानी और एक एक करके बारी बारी उस वृक्ष के बारे में पता लगा के आए। राजा ने तीनों को दरबार में बुलाया और एक एक करके पूछा, बताओ उस वृक्ष के बारे में क्या पता किया। तो पहले पुत्र ने बोला, वो तो बिल्कुल सूखा हुआ वृक्ष है, लंबा सा, टेढ़ा सा, जिसमें कोई भी फल नहीं है। वहीं दूसरा पुत्र बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हरा भरा वृक्ष है बट उसमें एक भी फल नहीं है। वहीं उसको काटते हुए तीसरा पुत्र बोला, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लगता है तुम लोग ने गलत वृक्ष देख कर आ गए, क्योंकि अब मैंने जो नाशपाती का वृक्ष देखा है उसमें तो फलों से लदा हुआ वृक्ष था। तो तीनों ही ऐसे ही आपस में झगड़ा करते रहे कि नहीं, जो मैंने देखा वो सही है, जो मैंने देखा वो सही है। तब राजा ने उन तीनों को शांत कराया और तीनों के पास गया और जाके बोला कि तुम तीनों ही वृक्ष का सही विवरण कर रहे हो, मैंने तुम तीनों को अलग अलग मास अंतराल में भेजा था। तो दोस्तों, राजा ने उन तीनों को भेजा इसलिए था ताकि वो एक सीख लेकर आए। उन्होंने पूछा कि बताओ तुम तीनों कहते क्या शिक्षा लेकर आए। तीनों कुछ समझ नहीं पाए। तब राजा ने उनको बारी बारी समझाया। पहले पुत्र को बोला कि तुमने क्या देखा। उन्होंने बोला कि बिल्कुल बेजान था, कुछ भी फल नहीं थे और सूखा हुआ, बिल्कुल डाली भी नहीं थी, मतलब बेकार था वो। मुझे लगता ही नहीं था कि उसमें कोई पत्ता भी या पेड़ भी उगेगा। तभी महाराज ने बोला कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो उसे लंबे समय तक देखना चाहिए, तभी उसके बारे में सही जानकारी मिल पाती है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या वस्तु हो। दूसरा, हर मौसम एक जैसा नहीं होता है, उसी प्रकार हर मौसम में वृक्ष कभी हरा भरा तो कभी बिल्कुल बेजान, वैसे ही मनुष्य का जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में अगर बुरा समय आ रहा है तो वो कभी निकलेगा ही नहीं, समय बदलता है। सिर्फ अपनी बात मान के उस पर अड़े रहना ये समझदारी नहीं है। इस दुनिया में ज्ञान असीमित है, अनंत है। सिर्फ अकेला आदमी पूरा अनंत ज्ञान पा नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि अगर आप भ्रम में हैं तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से कुछ भी पूछने में संकोच ना करें। तो ये 3 चीजें राजा अपने पुत्रों को सिखाना चाहता था, तो पुत्र उनके समझ गए। ऐसा करता हूँ कि आपको भी समझ में आया हो कि इन 3 चीजों का आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। किसी को भी देखकर एकदम से उसके बारे में हमें धारणा नहीं बनानी चाहिए। जैसे कोई भी अगर आपके बारे में बुरा कह रहा है तो आप उसको बुरा कह देंगे बिना कुछ जाने, तो ये चीज गलत है। जब तक आप उसके बारे में पूरा नहीं जान लेते तब तक आप उसको बुरा नहीं कह सकते, ये बेवकूफी है। वैसे ही दूसरा, कि अगर आपको लगता है कि आपका भी समय बुरा जा रहा है, आपका टाइम खराब है, तो आप अपना कुछ समय दीजिए, क्योंकि टाइम हमेशा बदलता रहता है दोस्तों, समय हमेशा बदलता रहता है। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी होगा। वैसे ही तीसरा, कि अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है तो शायद आप गलत हैं। सीखना कभी मत छोड़िए दोस्तों। सीखते रहेंगे तो जीवन में प्रगति करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक मोबाइल भी अपग्रेड होता रहता है, वैसे ही अपने आप को भी अपग्रेड करते रहें। तो जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब करते रहें, इसी तरह मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।